टॉलीवुड सुपरस्टार रामचरण अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा में है। ऐसे में खबर आ रही है कि रामचरण की अपकमिंग फिल्म आचार्य से नया पोस्टर आ चुका है, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आ रही हैं। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग की खबर अभी गुप्त है। हाल ही में रामचरण की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर से उनका लुक रिवील किया गया था, तो अब वहीं पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म सर्कस की शूटिंग पूरी हो चुकी है। बात करते हैं बॉलीवुड हैंडसम हंग यानी के कार्तिक आर्य की, जिनकी झोली में काफी फिल्में हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि कार्तिक आर्य जल्द ही बनेंगे क्रिकेटर। जी हाँ, ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म में कार्तिक के साथ लीड रोल में कौन नजर आने वाली है, आखिर किस एक्ट्रेस की होगी एंट्री। मेकर्स ने लैला मजनू फेम तृप्ति ढिमरी को अप्रोच किया है। बता दें इस फिल्म को गुंजन सक्सेना के डायरेक्टर शरण शर्मा करेंगे, साथ ही इस फिल्म को प्रोडक्शन करण जौहर करने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक होगी। अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एकता कपूर टीवी की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी राज कर रही हैं। द मैरिज वीमेन जैसी होमोसेक्सुअल वेब सीरीज लॉन्च करने के बाद हाल ही में उन्होंने एक और सीरीज का ट्रेलर यानी हिज स्टोरी लॉन्च किया है। इन दो वेब सीरीज के साथ साथ जल्द ही अपहरण सीजन 2 भी ओल्ड बालाजी पर ऑन एयर होने वाला है। दिसंबर 2018 में रिलीज हुई अपहरण वेब सीरीज दर्शकों को खूब पसंद आई थी। हाल ही में अपहरण सीरीज 2 की कुछ झलकियां डायरेक्टर ने शेयर की थी, और उस छोटे से झलक में साफ साफ देखा जा सकता है कि इसका शूट भारत से दूर सर्बिया में किया गया है। अरुणोदय सिंह, माही गिल और निधि सिंह जैसे बड़े एक्ट्रेस ने इस वेब सीरीज में काम किया है। इस वेब सीरीज के पहले सीजन को लेकर लोगों में इतना क्रेज था कि अपहरण के ट्रेलर को यूट्यूब पर 47 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए थे। हाल ही में अक्की यानी कि अक्षय कुमार कोरोना निगेटिव हुए हैं, और लग रहा है कि इस वक्त उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी है। ये फिल्म रिलीज होने के लिए पिछले एक साल से तैयार रखी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस फिल्म को एक साल से भी ज़्यादा वक्त से ऐसा क्वारंटीन किया कि ये बॉक्स ऑफिस की शक्ल तक नहीं देख पा रही है। जी हाँ, सूत्रों से खबर आ रही है कि अब सूर्यवंशी के मेकर्स रोहित शेट्टी और करण जौहर ने आखिर मन बना लिया है कि इस फिल्म को अब रिलीज कर दिया जाए। तो प्लान का खुलासा जो हुआ उसके मुताबिक इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी हो रही है, लेकिन नेटफ्लिक्स और अमेजोन या हॉटस्टार पर नहीं, ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। देश भर में कोरोना वायरस के केस दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोग आए दिन इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हाल ही में भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे कोरोना पॉजिटिव हुई थी। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यानी निरहुआ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। निरहुआ बीते कुछ दिनों से अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। निरहुआ के साथ उनके दो और लोग भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, जिसमें से एक कैमरामैन और दूसरा असिस्टेंट है। फिल्म के डायरेक्टर पदम सिंह ने निरहुआ के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। निरहुआ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने सेट की कुछ वीडियो और फोटो शेयर की थी, जिसमें उनकी चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसी के साथ देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़ आप।